बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ी बूटी पहचान के तमाम व्यूअर्स को मैं खुश आमदीद करता हूँ। आज मैं आप दोस्तों की नज़र एक बहुत ही कमाल की बूटी लेकर आया हूँ, जिसको अरबी में खस, फारसी में काहू और अंग्रेज़ी में लेटिस कहते हैं। इस बूटी का जो फ़ायदा है वो मैं आपके दोस्तों की नज़र करता हूँ। इसकी दो इकसाम हैं, एक किस्म नबाताती है और दूसरी किस्म बागी जंगली है। ये बूटी आप देख लें, इन दोनों किस्मों में बायोसाइमिन का जूस पाया जाता है। अभी मैं इसका एक हिस्सा तोड़कर आपको दिखाऊंगा। इसमें से दूध निकलता है जो कि कड़वा है मजाजन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कड़वा दूध है, जैसे अफ्यून की कड़वाहट होती है ये उसी तरह कड़वा है। इसकी जो मस्कन तस्वीर है जंगली किस्म में नस्बत ज़्यादा होती है। इसका रंग, पत्ते गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं, बीज भी सब्ज़, जायका फीका और शीरी। ये जो है इसका जायका कड़वा है। मजाज बरके काहू का सर्दतर दर्जा दोम है। इसका मकामी पैदाइश जो है, बागी किस्म हर जगह बागों में उगती है, जैसे ये बाग में उगी हुई है। और जंगली किस्म जो है वो सिर्फ मगरबी को हिमालिया में खुदरु पैदा होती है, यानी कि खुद ब खुद पैदा होती है। अफालो इस्तेमाल इसके बागी बरके काहू ज़्यादातर सब्ज़ और बतौर गज़ा सिरके के हमरा इस्तेमाल किया जाता है। ये साले खून पैदा करती है, सफरा की तेज़ी को तस्कीन देती है और खून को साफ भी करती है। वबाई अमराज से महफूज रखती है। तहकीकात जदीद से साबित हुआ है कि इसमें हयातीन मौजूद हैं, तमाम के तमाम हयातीन है, जो विटामिन ए, बी, डी, के वगैरह हैं, तमाम के तमाम इसमें मौजूद होते हैं। इसके पत्ते सदियों से पोटोहार के इलाके में बतौर चाय इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसको बतौर चाय इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही कमाल की खून मुसफ़ा और आला दर्जे की बूटी है। ये खून को साफ भी करती है और साले खून भी पैदा करती है। ये बूटी खुद ब खुद पार्कों में, जहाँ पर साफ पानी की आमेज़श हो वहाँ पर यह खुदरू उग जाती है। इसके फ़ायदे और भी हैं, लेकिन चंद चीज़ें मैंने आपकी नज़र कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और देसी जड़ी बूटी चैनल के देसी जड़ी बूटी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो लाइव जड़ी बूटी की वीडियोज लाता हूँ वो आप तक बार वक्त पहुँचती रहें। और अगर किसी को इस बूटी के बारे में कोई तहकीका चाहिए तो आप उसको इस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जड़ी बूटी की पहचान जो है वो तमाम हुक्मा हज़रात अतिबा इकराम तक पहुंच जाए। अब मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूं। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।